हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं हमारे ताइवान के रीफ से। अगर आपने ताइवान के ब्लॉग अभी भी नहीं देखे होंगे तो मैं उसके लिंक दे दूंगा नीचे, ज़रूर जाके वीडियो देखिएगा। और अभी दोस्तों टोक्यो में देख लो, टोक्यो नहीं पूरे जापान में ही ज़ोरदार बारिश चल रही है। और यहाँ पर काफ़ी दिनों से अभी टाइफून के भी वार्निंग आए हुए थे और इतने ज़ोरदार बारिश में हम ऑफिस नहीं जा रहे, हम जा रहे अभी एम्बेसी में। हाँ, जो इंडियन एम्बेसी इन टोक्यो है, वहाँ पर आज मुझे कुछ काम है तो उसके सिलसिले में हमें जाना पड़ रहा है। अब यहाँ के जो इंडियन एम्बेसी है ना, उसका एक प्रॉब्लम ये है कि जो इंडियन लोग जापान में रहते हैं उनका कुछ ऑफिशियल काम है तो वो सिर्फ सुबह 9:30 to 11:30 ही कर सकते हैं। बाकी जो टाइम है वो फिर जो जापनीज़ लोग हैं उनका वीज़ा वगैरह और बाकी जो काम होते हैं उसके लिए होता है, बट जो सुबह के दो घंटे होते हैं 9:30 to 11:30 वो सिर्फ इंडियन लोग जो जापान में रहते हैं उनके ऑफिशियल कामों के लिए होता है। तो जो इंडियन लोग अभी जापान में रहते हैं आने वाले हैं और उनको इंडियन एम्बेसी में कुछ काम है तो वो सुबह ये इस टाइम फ्रेम के अंदर ही करिएगा। तो हमारे पास अभी बस एक घंटा बचा है, 45 मिनट्स मुझे लगने वाले हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो चलिए आपको सीधा मिलता हूँ मैं एम्बेसी में। तो पहुंच गए दोस्तों हम एम्बेसी के पास में। तो जो इंडियन एम्बेसी है वो टोक्यो में है, कुदानशिता स्टेशन पे। तो अभी हम ट्रेन लेके पहुंच गए यहाँ पर, बट यहाँ से स्टेशन से और थोड़ा हमको 10 मिनट वॉक करना पड़ेगा। तो दोस्तों 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे था, तब मैंने आपको पूछा था कि आओ या नहीं। काफ़ी लोगों ने बोला था कि एम्बेसी में जाके मैं ब्लॉग वगैरह शूट करूँ, बट तब अनफॉर्चुनेटली मैं सुबह उठ नहीं पाया था। तो आज मैं जा रहा हूँ, जिन लोगों ने एम्बेसी नहीं देखी है आज देख लेना। तो एम्बेसी के पास में देखो यहाँ पर एक नेशनल गार्डन है, किता नोमारू नेशनल पार्क। अंदर श्राइन जैसा भी कुछ है, पर अभी टाइम तो है नहीं हमारे पास में तो जाएंगे नहीं अंदर हम। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखो, ये है इंडियन एम्बेसी। दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर काफ़ी बार हमारे ऑफिस के काम से और मेरे पर्सनल काम से भी। काफ़ी बड़ी एम्बेसी है ये। और आगे थोड़ा जाते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा भारत 2023 वधु वैद्य कुटुंबम कम, ऐसे कुछ लिखा पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तो चलिए दोस्तों, मैं मेरा एम्बेसी का काम ख़त्म कर लेता हूँ और आपको मिलता हूँ बाद में। आ गए दोस्तों घर पे, अभी ऑफिस का काम भी मैंने स्टार्ट कर दिया था और ऑलमोस्ट मेरा अभी काम ख़त्म हो गया। और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, तो मैंने ऑफिस का काम काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दिया क्योंकि जो ट्रिप का थकान था वो जेट लैग तो इतना था नहीं, 1 घंटे का था, बट वही ना होता है ट्रिप से जब आते हैं तो काम करने का उतना मन करता है। और अभी थोड़ी देर के बाद में जिम निकलना था, बट क्या बाहर तो बारिश चल रही है, पूरा हफ्ता यहाँ पे बारिश है क्योंकि यहाँ पे टाइफून आने वाला है ना, कुछ तो आके गए। और एक नया टाइफून है जिसका नाम है शान, वो भी जापान में आया है और उसके चलते यहाँ पे जो थोड़े प्रीफेक्चर है दूसरे एरिया में, एक प्रीफेक्चर यहाँ पे इहेमे नाम का, वहाँ पे तो पूछो मत इतनी जोरदार बारिश हो रही है। टोक्यो में भी अभी सुबह से और ये पूरा हफ्ता यहाँ पर बारिश है। आपको दोस्तों याद है मैंने आई थिंक कुछ वीडियो पहले बताया था कि जापान में जो राइस है वो खत्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह आने वाला था, उसके चलते यहाँ पर वो जो फूड था वो लोग काफी इंपल्स बाइंग कर रहे थे, पैनिक बाइंग कर रहे थे। बट अभी ऐसा हो गया ना दोस्तों, राइस पूरे स्टोर में खत्म हो चुके हैं। मेरे घर पे थोड़े बहुत राइस थे, वो भी खत्म हो गए। जब भी स्टोर में जाता हूँ मैं सबसे पहले राइस वाले सेक्शन में जाता हूँ कि यार लकीली वहां पे मुझे कोई राइस का एक आधा पैकेट मिल जाए। नहीं, सारे राइस खत्म। मैं बहुत सारे स्टोर में जा चुका हूँ मेरे घर के आसपास के, स्टाफ को पूछा तो बोले राइस तो खत्म हो गए, अभी पता नहीं उनको भी कब आने वाला है। तो मैंने थोड़ा ऐसे सर्च किया कि राइस खत्म क्यों हो रहा है, तो कोई बोल रहा है कि यहाँ पे टूरिस्ट काफी ज्यादा आ गए हैं, एक महीने में 30-30 लाख टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं, वो राइस खा रहे, तो वो एक रीजन है राइस खत्म होने का। दूसरा है कि यहाँ पे जो बारिश आ रही है उसके चलते यहाँ पे जो खेती है वहाँ पे राइस उग नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है यहाँ पे राइस खत्म होने के, बट बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे तो आदत लगी राइस खाने की यहाँ पे, रोटी तो मैं कुछ बनाता हूँ नहीं, राइस अभी है नहीं, तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं अब स्टोर में राइस कब आने वाला। अब आप बोलोगे ऑनलाइन बाय कर लो, मैंने वो भी ट्राई कर लिया,
ऑनलाइन भी राइस नहीं है, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ के लोगों की हालत क्या होने वाली, क्योंकि राइस के बगैर तो जापानीज लोगों का खाना नहीं, ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब लोग जापानीज लोग राइस ही खाते हैं, और मुझे भी आदत हो गई है। अब राइस नहीं है तो पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पर मेरा हालत। मुझे लग रहा है कि मुझे अभी इंडियन स्टोर में जाके आटा लाना पड़ेगा, दालें लाने पड़ेगी, उसी से अभी गुजारा करना पड़ेगा। तो अभी हम जो ताइवान ट्रिप में गए थे वहाँ पर आना भी मुझे मिली थी, तो मैंने उसको बोला था कि इंडिया से आते वक्त सोयाबीन लाना, क्योंकि मुझे सोयाबीन बहुत पसंद है, उसमें प्रोटीन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैंने उसको बोला था कि ये जो सोया चंक होते हैं वो मेरे लिए लाना, तो उसने 1 किलो के 2 पैकेट ला लिए, तो आई थिंक ये चल जाएंगे मुझे अभी काम, जब तक राइस जापान में नहीं आ जाते तो ये सोयाबीन से ही मैं भी काम चलाने वाला हूँ। और मेरा जो 4th सेमेस्टर का MBA एग्जाम था वो खत्म हो गया, और 5th सेमेस्टर अभी स्टार्ट होने वाले हैं। सैटरडे संडे से मेरे जो रेगुलर लेक्चर है 5th सेमेस्टर के वो स्टार्ट होने वाले हैं। और इसके चलते ना मुझे काफ़ी जो नए व्यूअर्स है चैनल पे उन्होंने मुझे कमेंट्स किए थे, तो सबसे पहले तो कमेंट आया था Empire 548 का, ब्रो आप MBA कहाँ से कर रहे हो और उसका फीस क्या है थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना। तो जिनको नहीं पता मैं MBA कर रहा हूँ इंडिया से IIM काशीपुर, जो कि है एग्जीक्यूटिव MBA, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए एग्जीक्यूटिव MBA होता है, और जो नॉर्मल MBA होता है वो रेगुलर MBA यानी कॉलेज में जाके, तो मैं काम भी करता हूँ साथ में मेरा MBA भी चलता है। दूसरा क्वेश्चन हमें आया था मिस्टर साहिल 007, उन्होंने पूछा है कि दादा आप MBA की स्पेशलाइजेशन किस से कर रहे हो। तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो है बिजनेस एनालिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसी से रिलेटेड पूछा है यशी 1681 ने, इन्होंने पूछा कि हाउ यू आर डूइंग MBA विथ जॉब। तो ये सही क्वेश्चन पूछा, जॉब के साथ मैं MBA कैसे कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे बोला कि मैं कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव MBA, ये रेगुलर MBA नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव MBA जिसमें कि जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं मेरी तरह जो जॉब कर रहे हैं वीक डे पे यानी मंडे टू फ्राइडे जो जॉब करते हैं उनके लिए होता है ये एग्जीक्यूटिव MBA। तो मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ MBA की वो है मेरी वीकेंड पे, सैटरडे संडे यानी 2 दिन जो मेरा है फुल डे मेरा MBA के लेक्चर चलते हैं, और मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस का काम चलता है। अगला क्वेश्चन हमें पूछा है अफान सैयद ने, इन्होंने पूछा अंकित भाई आई वॉन्ट टू नो अबाउट MBA, वाई यू डिड नॉट डू MBA फ्रॉम जापान। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जापान से MBA क्यों नहीं कर रहा हो। तो देखो ऐसे बात है कि जापान से भी MBA कर सकता हूँ मैं, बट यहाँ पे जितने भी MBA कॉलेज है वो इतने रेपूटेड नहीं है। यहाँ पे अगर आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे 1-2 यूनिवर्सिटीज है, बट उतना स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है। अगर वहाँ से MBA कर भी लूँ तो इतना कुछ मुझे फायदा होने वाला नहीं है। तो मेरा पहले से ही प्लान था जब मैंने मेरा मास्टर्स किया था मैकेट्रॉनिक्स में 2016 में, तब मेरा प्लान था एक तो PhD करने का जापान से, बट वो एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया प्लान मुझसे। फिर मैंने चेंज किया मेरा प्लान MBA करने के लिए, और मैंने सोचा था कि करूँगा तो IIM से ही करूँगा वरना नहीं करूँगा। तो 7-8 साल जॉब करने के बाद में मैंने सोचा कि दिस इज़ राइट टाइम कि MBA करते हैं। और पता है आपको पहले IIM रेगुलर MBA हुआ करता था, यानी आपको कॉलेज में जाके MBA करना पड़ता था, बट अभी उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, एग्जीक्यूटिव MBA ऑनलाइन चालू कर दिया, यानी जो बच्चे बाहर रहते हैं वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं जापान में रह के भी IIM से MBA कर सकता हूँ, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और मुझे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि मैंने एडमिशन कैसे ली विदाउट कैट, मैंने IIM में एडमिशन कैसे ले ली। तो दोस्तों यानी जो एग्जीक्यूटिव MBA होता है ना वो भी कैट जैसा ही आपको जो प्रोसीजर है वो होता है, यानी मैंने EMAT एग्जाम दी थी, कैट नहीं दी थी, EMAT होती है। तो हर IIM के अलग से उनकी पर्सनल एग्जाम होती है, तो मेरे केस में वो थी IIM काशीपुर की EMAT एग्जाम। वो एग्जाम देने के बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद में जो मेरा जॉब प्रोफाइल था 8 साल मैंने जो मेरा जॉब है उसका प्रोफाइल, तो इसके सारे पॉइंट्स होते हैं, और पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद में जैसे कि मैंने जो एग्जाम दी EMAT, उसके बाद में मेरा जो इंटरव्यू हुआ और जो मेरा जॉब प्रोफाइल है उसके सारे पॉइंट्स मिला के कट ऑफ लिस्ट लगती है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है। तो ये भी इतना ईजी नहीं जितना अगर आपको लग रहा होगा कि हो गया। दोस्तों आज का वर्कआउट खत्म, अभी रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11, और आज मैंने किया था लेग वर्कआउट, और दोस्तों सच में बताओ ना बिल्कुल मुझे ना अभी घर जाते नहीं आ रहा है, मेरे पैर इतने अभी शेक हो रहे हैं ना, जैसे होता है वर्कआउट लेग वर्कआउट करने के बाद में क्या हालत होती है, जो लोग वर्कआउट करते होंगे उनको पता होगा। लेग करने के बाद में आज कुछ ज़्यादा ही मेरा वो सोरनेस पहले था, मैं ट्रैवलिंग किया इतना चला, और आज हेवी लेग वर्कआउट किया है, तो यानी मैं अभी साइकिल के पार्किंग में चल रहा था, मेरे पैर शेक कर रहे थे, मैं थोड़ा देर अभी यहाँ पे बैठ गया, और मेरा वेट पता है दोस्तों कितना हो गया है, अभी 80 किलो वेट था मेरा, अभी मेरा हो गया 76.6, यानी ऑलमोस्ट मेरा 3-3.5 किलो वज़न कम हो गया है। और सारा जो वज़न अभी कम हुआ है ना ये पूरा मेरा फैट है, और मेरा अभी जो फैट परसेंट है वो अभी ऑलमोस्ट 8-9% है, मुझे और 1% मेरा कम करना है, क्योंकि अभी कंपटीशन को मेरे 20-22 दिन बचे हुए हैं। जिन लोगों को नहीं पता जो चैनल पे अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किए उनको बता देता हूँ कि आने वाले 21 तारीख को, इसी मंथ की 21 तारीख को मेरा
बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है, मेंस फिजिक कंपटीशन है हिरोशिमा में, और ये मेरा जापान में सेकंड टाइम है इस टाइप के मेंस फिजिक कंपटीशन में। फर्स्ट मैंने किया था 2018 में किया था मैंने ये पार्टिसिपेट, और अभी मैं सेकंड टाइम अभी कर रहा हूँ। और आप मेरा शायद फेस देख रहे होगे, शायद अभी पता नहीं चल रहा होगा, रात है और लाइट भी थोड़ा चमक रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हो गया क्योंकि रिसेंटली अभी मैं टैनिंग ज़्यादा करवा रहा हूँ। जो मशीन है मेरे जिम में टैनिंग मशीन, उससे मैं वीक में पहले तो एक बार करता था, अभी मैं दो बार करता हूँ क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत पास में है और कलर हम वो टैनिंग कलर होता है वो यूज़ नहीं कर सकते, नेचुरल टैनिंग चाहिए होता है। और धूप यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल धूप नहीं है, यहाँ पे बारिश है। मैं सोचता हूँ कभी कभी दोपहर में घर के बाहर ही खड़ा हो जाओ 15-20 मिनट और धूप खाओ, बट वो भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और अभी भूख भी लगी है, घर जाके अभी खाना वगैरह भी बनाना है। तो हाँ दोस्तों, मुझे एक अनाउंसमेंट भी करना है। रिसेंटली मुझे ना इंस्टाग्राम पे इतने सारे DM आते हैं, यानी पूछो मत, जापान के बारे में इंफॉर्मेशन पूछने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए। काफ़ी लोग रिलोकेट कर रहे हैं जापान में, तो उनको पता नहीं कि जापान में आना है तो क्या करना चाहिए, क्या सामान लाना चाहिए, यहाँ पे कैसा घर ढूंढना है और क्या क्या प्रोसेस है। तो वैसे मुझे दिन में मोर देन 200-300 मैसेजेस आ जाते हैं सबके, और सबको पर्सनली रिप्लाई करना दोस्तों बिल्कुल मुझे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पता है कि मैं कितना बिज़ी रहता हूँ मेरे कामों में, ऑफिस का काम, अभी MBA, जिम, आपके लिए वीडियो बनाना और भी 10 काम होते, तो मैं पर्सनली वो DM जाके चेक नहीं कर सकता। तो मैंने दोस्तों रिसेंटली अभी 1-on-1 कंसल्टेशन स्टार्ट किया है, जिसमें कि आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हो और मैं मेरा जो दिन का कुछ स्पेसिफिक टाइम है वो आपको डेडिकेटली मैं सिर्फ आपको दूंगा। तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूँ, आपके अगर पढ़ाई के बारे में, स्टडी के बारे में, आपको जापान में स्कॉलरशिप के लिए आना है, जॉब ढूंढना है, या फिर जापान में आप ऑलरेडी आ रहे हो और आपको जापान में कैसे आपका लाइफ सेट करना है, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे 1-on-1 जो बुकिंग कर सकते हो, तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा, आपको लिंक भी मिल जाएगा गूगल मीट का। तो उस दिन को, उस टाइम को आप मेरे साथ में 1-on-1 वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो, और मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेश्चंस रहने दो, मैं सारे आपके क्वेश्चंस आंसर करूंगा। तो लिंक पे जाइएगा और वहाँ पे आपका जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर लीजिएगा। आगे दोस्तों, घर पे आते समय मैं माया बास्केट तो में गया था और थोड़ा सब्जी वगैरह लिया और राइस चेक किया वहाँ पे है या नहीं है, बट हमको राइस कुछ नहीं मिला, बस 2-4 वेजिटेबल्स मिले, सब स्टोर खाली दोस्तों। यानी मैं पता नहीं, मैं लेट जाता हूँ इसलिए ऐसा है, बट पहले भी मैं लेट जाया करता था ये टाइम पे और वहाँ पे सब कुछ हुआ करता था, पर अभी कुछ नहीं है, आधा स्टोर मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो खाली तो नहीं कर रहे, कुछ सामान नहीं मिलते वहां पे। मुझे बस लास्ट एक राइस का पैकेट मिला, वो भी नॉर्मल राइस नहीं, ये वाले राइस, ये एक्चुअली ब्राउन राइस भी नहीं है, कुछ अलग ही टाइप के राइस है ये कभी मैं खाता हूँ नहीं, बट ये एक पैकेट दिखा सिर्फ मुझे वहां पे, 1 किलो का पैकेट था ये। मैंने सोचा कि भाई कुछ नहीं सही से तो यही ठीक है, तो कल इसको बना के देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो फोटो है उसमें मुझे कुछ अलग टाइप के वो दिख रहे बनने के बाद में, देखते इसको बना के। और 1 किलो ही है ये, पता नहीं अभी, क्योंकि मैं दिन में 3 बार राइस खाता हूँ मैं, तो ये पता नहीं मुझे कितने दिन चलेगा, 2-3 दिन चल जाएंगे, देखता हूँ। अगर कल परसों भी ऐसा ही खाता पैकेट कहीं मिल गया तो ला लूँगा। राइस के बहुत शॉर्टेज चल रहे हैं। फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करता हूँ, मैं जो मेरे जिम के पास में नाकानो स्टेशन के पास में इंडियन स्टोर है, मैं बहुत दिन पहले गया था वहाँ पे, एक छोटा सा व्लॉग भी बनाया था, वहाँ पे मैं बासमती राइस ट्राई करता हूँ, क्योंकि जापानीज लोग बासमती राइस नहीं खाते, तो शायद इंडियन राइस का स्टॉक वहाँ पे पॉसिबली होगा। ये आपको मैं मेरा करंट स्टेटस बता देता हूँ, क्योंकि 20 दिन बचे अभी कंपटीशन को, और 20 दिन पहले का जो मेरा फिजिक का स्टेटस है वो कुछ इस तरीके से है। फैट का भी कम हो चुका है मेरा, अगर आपने 2 वीक पहले के ब्लॉग देखे होंगे तो यहाँ पे थोड़ा फैट था, पर अभी काफी कम हो चुका है। मेरा बॉडी फैट परसेंट अभी है लेस देन 10%, लाइक 8-9%, मुझे अभी और थोड़ा 1-2% कम करना पड़ेगा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं जापान के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, साथ ही में दोस्तों आपको अगर आपका बॉडी फैट कम करना है आपको, या बॉडी गेन करना है, मसल गेन करना है, वेट गेन करना है,
या फिर आपको कोई भी फिटनेस के रिलेटेड अगर टिप्स चाहिए, सजेशन चाहिए, तो उसके लिए भी आप वन ऑन वन कंसल्टेशन ले सकते हो। तो मैं आपको आपका फिजिक चेंज करने के लिए भी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर आपको फिटनेस के लिए भी अगर कंसल्टेशन चाहिए होगा ना, तो आप उसी सेम लिंक पे जाके मेरे साथ में अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो मैं आपको डाइट और वर्कआउट इन दोनों के लिए भी हेल्प कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, अभी भी बनाता हूँ मेरा लास्ट मील ऑफ द डे, और आपको मिलता हूँ मैं अगले ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।